हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैंने तेरे को नहीं लिया, तू आया मेरे व्लॉग में वायरल होने के लिए। बच्चों, तो आपको बता रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं एक पार्टी में। आज हमें मिला एक स्पेशल पार्टी का इनविटेशन, जिसका बिल हमें बिल्कुल भी नहीं भरना है। कपड़े धोने का साबुन दो। अब ये कपड़े थोड़ी धोने हैं। अरे और एक पन्नी और कपड़े धोने का साबुन दो। तो ये देखो, अब ये देखो मेरा क्या करूँ। तो आपको बता दूं, वो स्पेशल ओकेशन, पकड़ 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 लाली को, क्या है कि आज हमारे एक बच्चे के हो गए, 2 के। मेरा वो बच्चा, हेलो करो। हाय गाइस, हेलो और कांग्रेचुलेशन बच्चों, फिर से आपको अगेन कांग्रेचुलेशन। बच्चे मुझसे खाने पानी मांग रहे थे, मैंने कहा ठीक है खा लो रेडी में, तुम भी क्या याद। हमें रेडी पे खिला के लाएगी क्योंकि रेडियो में बड़ा अच्छा फूड मिलता है। तो हम जा रहे हैं आज, कौन कौन सी रेडी पे फास्ट फूड खाएंगे। अभी प्रेरणा नहाने गई है, कशिश नहा ली, अंशु नहा लिया, प्रेरणा नहाने गई है, पुनीत और पम्मी अपने अपने घर गए हैं तैयार होने के लिए, और उसके बाद हम जाते हैं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, पर आजकल पता नहीं क्या हो गया, 2-4 दिन से मेरे बच्चे ना मुझ पर ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। और ये बच्चा है ना जो गंदा, ले जा कितना घुमा ले इसे, और जोर से मत करो, गई है ना लेने बहन। तो हम लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे फिर। हेलो गाइस, आज हम की व्लॉग शूटिंग कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हम एक रेस्टोरेंट आए हैं, तो चावल और इसमें शाही पनीर, इसमें दाल मखानी, ये रहे सैलेड, इसमें नॉन वेज है, इसमें शाही चिकन है, इसमें मटन है, गाइस इसमें बिरयानी है, इसमें सूप है गाइस। ये देखो वेटिंग से देखो, इतने अच्छे से चॉकलेट वाले गाइस, ये हलवा है, चुके हैं खा पी पे हम गए थे बारबेक्यू नेशन, बारबेक्यू नेशन गए थे और बहुत अच्छा फूड था वहाँ पे, बहुत इंजॉय किया हमने, फूड इंजॉय किया, मतलब अनलिमिटेड था पर पर्सन, जो टिकट लेने के बाद मतलब कूपन अलॉट करने के बाद सीटिंग हमने बुक कर दी थी, और काफ़ी अच्छा था और फूड का टेस्ट भी बहुत अच्छा था भाई। लेकिन हम 2-3 घंटे में, और ना फूड ना अनलिमिटेड था, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप स्नैक्स ले रहे हैं, वेज एंड नॉन वेज दोनों था, वेज और मम्मी ये तो कचरों का इलाका था, मेरे को तो उतर के वीडियो नहीं बनाने थी, इसने क्यों बनाई है? मैं थी वहाँ। तो क्यों, ये आपकी बच्ची नहीं है, इसने क्यों उतरी वहाँ? नहीं तो मैं कर बात सुन, मैं थी क्या वहाँ? मम्मी नहीं तो आप तो एक तो पुलिस खुद खचड़ी है, इसको कौन बनाता। तो बच्चों आपको एक मजे की चीज़ दिखाऊं, ये देखो जो नूना के नीचे लगाने की शीट है ना, वो कशिश अपने नीचे लगा के सोती है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कशिश दीदी आज भी टॉयलेट करती है बेड पे। नूना ने गाइस कॉर्नर का स्पेस मेरा है, बीच में नूना सोती है, उधर कॉर्नर सफाइयाँ मत देना, नूना
आज बच्चों को मुझे सच बताने दें। तो गाइस आपको एक मज़े की बात बताऊं, देखो जहाँ पे नोना सोती है ना, तो नोना के नीचे जो बिछाने की शीट है ना, ये देख सकते हो आप, तो एक कशिश अपने नीचे लगा के सो रही है, यानी कि कशिश रात को टॉयलेट करती है बिस्तर में। अब आप लोगों को ये राज मैंने बता दिया है, प्लीज़ दीदी का मजाक मत उड़ाना। गाइस यार ये मेरी जगह है, ये नोना की जगह है, मम्मी की जगह है, और अभी अभी नोना को मैंने डायपर वगैरह पहना के सारे कपड़े वपड़े चेंज किए हैं। उससे पहले ना गाइस नोना ने मेरी जगह पे, यहाँ पे तीन जगह नोना ने सुसु कर रखा, और उसकी वजह से मेरी जगह गीली हो गई। तो मैं गीले में तो सो नहीं सकती, तो मुझे यही बिछा के सोना पड़ता। बच्चों कशिश दीदी सफाइयाँ दे रही है, सच तो यही है कि देखो इतनी जगह पे नोना ने टॉयलेट कर लिया, देखो बिल्कुल इसके जहाँ पे टॉयलेट आने वाला है ना, वहाँ तक इसने मतलब की शीट लगा रखी है। आप समझ लो, आप इतनी बड़ी हो चुकी है, बिस्तर हमारे ख़राब करती है ये रात को ना, इसको टॉयलेट कराने वाला। अरे झुन्नू आप झूठ मत ले। और यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं, मैं अपने मिशन को सक्सेस करने में लगी हुई हूँ कि मेरा मिशन सक्सेस हो जाए। यहाँ पे कशिश को बहुत ज़बरदस्त नींद आने वाली है, और उसके बाद कोमल देखो किस तरह से घोड़े बेच के सो रही है, सारे घोड़े बेच दिए हैं उसने, और कोमल के मम्मी पापा को आने में अभी समय लगेगा, 10 दिन तकरीबन और चले जाएंगे, 10 से 15 दिन। और यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारी नोना भी घोड़े बेच दे सारे, पर अभी आसार लग नहीं रहे हैं, और बहुत ही बदतमीज हो गई है नोना, पता है ऐसे ऐसे वो ला दिया। देखो अब भाई आज तो बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई है तेरी, अब क्या करूँ मैं, अब जो बोल दिया तो बोल दिया। तो एक या दो दिन में दीदी के सॉन्ग की जो है रील के लिए आने वाला है, आप लोग ढेरों सारी रील्स बनाना, सॉन्ग्स तो बाद में आएगा दीदी का, लेकिन वॉइस आ जाएगी, वॉइस आएगी ना कशिश पहले, तो वॉइस आ जाएगी तो हम लोग आपको बता देंगे, जो जो भी दीदी से प्यार करते हैं, प्रेरणा दीदी से, और हमारी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो ढेरों सारी रील बनाना। बाकी मेंशन बैग का तो मुझे, तो मेरे पास जिस जो भी बच्चे करते हैं, अगर मैं देख लेती हूँ मैं तो ज़रूर लगाती हूँ। और बाकी सॉन्ग को प्यार देना, क्योंकि 2 सॉन्ग करने हैं बैक टू बैक। और आपको एक मज़े की बात और बता दूँ कि ये जो टॉयलेट करने वाला बच्चा मैंने बताया था ना आपको बेड पे, वो बच्चा भी उस सॉन्ग में रोल करेगा, और उसके बाद फिर एक जीजा साली का सॉन्ग भी आएगा। तो आप लोग अपना प्यार देते रहेंगे, तो फिर अगर आपके प्यार के अकॉर्डिंग हम लोग भी मेहनत करते रहेंगे, यानी कि हम लोग यानी ये बच्चे भी मेहनत करेंगे, आपके लिए ही मेहनत करते हैं। मे भी अब आप कहोगे, कई लोग बीच बीच में कुछ लिख देते हैं कि अपने लिए, तो अपने लिए और आपके लिए, तब तक बिना हमारी किसी की मेहनत ना स्वीकार नहीं होती है, और मेहनत सक्सेस नहीं होती है, अगर हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो ही हैप्पी ना हो और वो मकसद हमारा पूरा ना हो। तो सबसे पहला बात आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ हमारे लिए एक कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं, कई लोग कई बार कहीं तरह से घुमा फिरा के लिख देते हैं कि कमाने के लिए, वो चीज़ एक अलग है, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के साथ ऐसी अटैचमेंट हो गई है कि आप लोगों के साथ बॉन्डिंग हमारी बनी रहे, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी आईडीज़ हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स होते हैं, इतने सारे ब्लॉगर्स होते हैं, इतने सारे सॉन्ग आते हैं, है ना, और इतनी सारी इंस्टा पे रील आती है। लेकिन कुछ को अभी कई लोग ऐसे होंगे जिनको मैंने फॉलो नहीं करा होगा या मैं देखती नहीं होंगी, तो आप लोग जितने भी हैं, जितनों भी अपना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं हर बार 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 दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आप लोगों से अब घर जैसी अटैचमेंट हो गई है, देखा नहीं है लेकिन आप लोग फिर भी हमारी फैमिली की तरह हो। और फिर से वंस अगेन कशिश के 2K कराने के लिए थैंक यू। आज मेरे लास्ट वाले ब्लॉग पे कमेंट था, मुझे इतनी हंसी आई, उस बच्चे का भी मैंने नाम नहीं पता मुझे, और उस पे ना कमेंट था कि आंटी पहले आप बोल रहे थे कि दीदी के 1 लाख करा दो, अब कह रहे हो दीदी के 1 मिलियन करा दो। यूट्यूब पे मैंने बोला था कि प्रेरणा दीदी के 1 लाख करा दो, तो और कशिश दीदी के यूट्यूब पे 50K करा दो, प्रेरणा के 1 लाख करा दो, तो मीटअप होगा। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन मीटअप यादगार हो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा समय लगता है किसी भी चीज़ को। अभी किसी चीज़ से निकलते हैं, अभी दीदी का ऑपरेशन होना है, लेकिन हमने सोचा कि पहले सॉन्ग दे दें ताकि कुछ टाइम सॉन्ग में निकल जाएगा, फिर उसके बाद दीदी को 1-2 महीने का रेस्ट करना होगा, तो सॉन्ग नहीं कर पाएगी, फिर नेक्स्ट सॉन्ग जो होगा
देख लेंगे, उसमें कशिश मॉडलिंग कर लेगी और तब तक प्रेरणा को रेस्ट मिल जाएगा। तो इसी वजह से हमने सोचा थोड़ा गर्मी का टाइम ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम में प्रेरणा रेस्ट कर लेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है इस वजह से। और जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा और थोड़ा सा और भी चीज़ें ठीक होगी तो हम जल्दी से करेंगे। और अटपटे से कई सवाल भी आते रहते हैं, अटपटी सी चीज़ें आती रहती हैं और मेरी सेहत को लेकर बच्चों को बहुत चिंता रहती है, उसके लिए थैंक यू। और आप लोगों का इतना सारा प्यार ही है जो मैं इतना बीमार होने के बाद भी ठीक हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर्स भी हो जाते हैं, लगता है कि अब तो मैं बचूंगी नहीं, मुझे खुद ही लगने लगता है कभी कभी। मतलब बहुत कम होता है कि मैं हौसला खोती हूँ, बीमार में रहती हूँ लेकिन हौसला खोने वाली बात बहुत कम होती है। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार है ना, इतनी सारी विशेज़ होती हैं ना कि मैं फिर भी इतनी बीमारी से भी जूझ के फिर ठीक हो जाती हूँ, उसके लिए भी थैंक यू। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे इतने सारे बच्चे हैं कि मुझे तो सबके लिए जीना ही है, मुझे तो कई चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे निकलना ही है भाई। तो पता नहीं क्यों हो जाता है, क्योंकि मुझे कई साल हो गए दवाइयाँ खाते खाते, तो कभी कुछ इशू हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मुझे, आपको मैं बता दूँ, मेरे ब्रेन में क्लॉट्स हैं तो अब से नहीं है, वो 7-8 साल पहले हैं। तो मैं आपको आज शेयर कर दूँ कि उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, जैसे ब्रेन में क्लॉट्स है ना, तो जब गर्मी आती है या फिर जब मौसम चेंज होता है, कोई भी गर्मी सर्दी बारिश आती है, तो मुझे मेरी बीमारी जो है ना मुझे परेशान करती है, या फिर कोई चीज़ जो मुझे डिप्रेस करे तो उसकी वजह से भी क्या होता है, खून ज़्यादा तेज़ दौरा करता है। जब हम लोग, आपने देखा होगा कई बार, आप नोट करके देखना, जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी हार्ट बीट गुस्से में होते हो या भाग के आते हो कहीं से या ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हो तो आपकी हार्ट बीट जो है तेज़ बीट करने लगती है ना, हार्ट आपका तेज़ बीट करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड भी जो है बहुत तेज़ सर्कुलर करता है बॉडी में, और जो मेरे क्लॉट्स हैं ब्रेन में वो उस समय बॉडी को सपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि क्लॉट्स की वजह से ब्लड जो है बॉडी में उतनी तेज़ी से जो दौड़ता है तो वो क्लॉट्स उसे आगे नहीं जाने देते, उसकी वजह से मेरी बॉडी मुझे डीप फ्रीज कर देती है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मौसम चेंज होता है तो मैं अभी जो भी आंधी तूफान वाला जो थोड़े टाइम में मौसम आएगा, अगला मंथ जो आएगा, तो उसमें क्या होगा, मैं बाहर जाऊं घर से या ना जाऊं तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी सांस की नली में डस्ट आ जाएगी, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम रहती है, कितना भी अंदर हूँ थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ता है, तो उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और आपके कुछ सवाल हो तो नेक्स्ट व्लॉग, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता मैं आप लोगों के लिए क्या स्पेशल करूं, बच्चों क्या स्पेशल करूं, लेकिन फिर भी थैंक यू, आप इतनी सी मेरी इतनी सी बातों में ही मुझे इतना प्यार दे देते हो, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या दिखाऊँ आपको। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मुझे जो भी ठीक लगेगा। इच्छा मेरी होती है कि मैं हर जवाब दूं, हर सवाल का रिप्लाई दूं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ देते हैं तो मैं उनका रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ अच्छा कहना चाह रहे हैं और सामने वाले को कुछ बुरा लग रहा है, तो इस वजह से भी नहीं दे पाती हूं। बाकी आप लोगों के सभी कमेंट्स में, जिस भी ब्लॉग पे मैं बार बार बताऊँ आपको, A to Z, अगर 1000 कमेंट्स किए हैं आपने किसी किसी ब्लॉग पे, कशिश दीदी के 800 तक भी कमेंट गए हैं और कहीं कहीं प्रेरणा दीदी के 1200 तक भी कमेंट चले जाते हैं, तो मैं जो है, मेरी रूटीन ये है कि 3 दिन तक भी मैं हर ब्लॉग पे कमेंट देखती हूँ, यानी कि अगर एक ब्लॉग इन्होंने डाला है तो 3 दिन तक भी मैं उस पर कमेंट्स देखती ही रहती हूँ। तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मेरे ब्लॉग पे आपको कुछ भी हो तो मेरे इस वीडियो पे आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो या क्वेरी हो। और बहुत से बच्चे एड्रेस के लिए कहते हैं, तो बेटा ऐसे बिल्कुल वीडियो में हम नहीं बोल सकते हैं, इच्छा हमारी भी बहुत होती है हम एड्रेस बता दें और आप आ जाओ, लेकिन क्या है ना, एक दो बार ऐसा हुआ है कि जानने के बाद भी कई लोग, जैसे अगर पूछ लेते हैं हमारे नियर बाई जो चीज़ उन्हें पता चल जाती है, तो कुछ गलत टाइप के भी बच्चे मतलब आ गए थे। अब मैं गलत भी नहीं कहूँगी, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि कुछ ऐसा हमें पता नहीं होता कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है, बॉयज़ हैं या ऐसे है, तो थोड़ा सा वो लगता है, ऐसी बात नहीं है, बॉयज़ भी आते हैं, फैमिलीज़ भी आती हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, इसी वजह से हम सोचते हैं कि मीटअप रख लें। लेकिन फिर भी यह है कि मीटअप के बीच में बार बार बाधाएँ आ रही हैं, लेकिन ये बाधाएँ जैसे ही ख़त्म होंगी हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। और बाकी इस वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मेरे पास तो और कुछ है नहीं बोलने को, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। और दीदी का 200K का सेलिब्रेशन कैसा लगा ये भी बताना। अब बहुत जल्दी घर में एक और पार्टी आने वाली है, आपके अंकल का बर्थडे आने वाला है, आपके अंकल का बर्थडे की डेट भी मैं आपको बता देती हूँ, आपके अंकल के बर्थडे की डेट है 11th of May। और
देखेंगे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अंकल तो मना कर रहे हैं कि मेरा बर्थडे मत सेलिब्रेट करो, पिछले साल मैंने उनका बर्थडे बहुत धूम जैसा वो चाहते थे तो वो उस टाइम नहीं हो पाया था। तो फिर मतलब कि बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्या प्लान करेंगे। अब घर में जो भी काम होते हैं सिर्फ उसमें सहमति मेरी होती है और चीज़ें मैनेज करना मेरा होता है, बाकी उनको अरेंज करना यानी कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आप समझ सकते हो कि पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सब अरेंज करना बच्चों का काम होता है। और जैसे भी है जो भी है ठीक ही है, जिसको जैसा भी लगता है वो बात अलग है, लेकिन अभी जब हम लोग बच्चे छोटे होते हैं तो हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ चीज़ों को मैनेज करते हैं और उसकी सहमति और मंजूरी हमारी तरफ से होती है, आपके अंकल और मेरी तरफ से, और बाकी का वो करते हैं। जहाँ हमें लगता है गलत भी है वहाँ हम रोकते भी हैं, और किसी जगह पर बच्चे मान भी जाते हैं और किसी जगह पर मानते भी नहीं हैं, तो ये हो जाता है हमारे साथ। तो जहाँ भी सेलिब्रेट करेंगे वो भी देखना, कोशिश कर रही हूँ कि अंकल को अच्छे से सरप्राइज़ दें हम और अंकल का बर्थडे अच्छे से इंजॉय करें। तो अभी फ़िलहाल में यही आने वाला है घर में ओकेशन, अंकल का बर्थडे आने वाला है और शायद अंकल के बर्थडे से पहले दीदी का सॉन्ग आ जाए और आप लोग ढेर सारी रील बनाना उस पर। और इस वीडियो का करते हुए यहीं पे एंड, तब तक के लिए चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और बच्चों बेल आइकन की प्रेस ज़रूर करना, ताकि कई बच्चों को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि मैं देखती हूँ मुझे ये समझ नहीं आती, कई चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं कि कभी कभी तो ब्लॉग पे बहुत सारे वीडियो पे व्यूज़ चल जाते हैं और कभी कभी बहुत उग जाते हैं। मैं सोचती हूँ शायद मेरे बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँची है, तो आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। और बहुत सारी हो गई बातें, अब करती हूँ मैं आपसे भी गुड नाइट, और मेरा मिशन भी हो गया कंप्लीट। मैं आपको अपना मिशन दिखा देती हूँ जो था, आप मैं अपना मिशन को कंप्लीट करते करते आपसे बात कर रही थी, मेरा मिशन हो गया कंप्लीट। मेरा गंदा बच्चा सो गया, गंदा बच्चा, मेरा गंदा बच्चा बहुत नई नई हरकतें सीख रही है, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान कर रही, तो ये सीख गई है जो बहुत गंदी वाला बना, नहीं भी कहूँगी ना तो भी करेगी, पूरे स्टेप वाइज वाइज करेगी ये। जैसे मैं बोलूँगी राधे राधे बोलती हूँ तो फिर पहले राधे राधे करेगी, फिर हर हर महादेव करेगी, राम राम करेगी। अभी बस 2-3 महीने और फिर नोना आपको पोएम और काउंटिंग भी सुनाया करेगी। आपको पता है मेरे हर व्लॉग में नोना की क्लिप होती है, तो थोड़ा सा टाइम हो रहा, बस 2-3 महीने और लगेंगे जैसे भी चलने लगी आप लोगों ने देखा, और ऐसे ही नोना बोलने भी लगेगी, फिर पोएम और काउंटिंग वगैरह भी सुनाया करेगी आपको। टाटा बाय बाय, लव यू।